वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट विशाल सर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अन अकेडमी एसएससी जेई, ए वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल एएन एंड जेएन एग्जामिनेशन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करे होंगे, आपका रिविजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अगर मैं सबको अच्छे से ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, फटाफट थम्स अप करके बताइए, फिर हम आज सॉल्व करते हैं हमारे 1 मार्च 2017 को जो एसएससी जेई का शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था उसके 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दिस इज एन इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई हैव क्वालिफाइड गेट 4 टाइम्स एंड डिफरेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द पीएससी, एंड लास्ट 5 साल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये सब्जेक्ट्स मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ डील करता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, आईसी इंजन, आरएससी, हीट एंड मास ट्रांसफर। अगर आप मेरे साथ जुड़कर अन अकेडमी पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज दिस रेफरल कोड विशाल11 टू गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन जो फीस है वो आपकी 31st of December से इंक्रीज होने वाली है ना। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप 31st of December से पहले सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस अन अकेडमी एसएससी जे यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको थर्मोडायनेमिक, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, आईसी इंजन, आरएसी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एसएससी जे ईवाई, पीवाईक्यू सीरीज सब कुछ करवा रखा है। सो दिस यूट्यूब चैनल इज गोइंग टू बी वन स्टेप सॉल्यूशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एएन एंड जेएन एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्ले लिस्ट में जाके मैकेनिकल वाली कैटेगरी में आप देख लीजिएगा कि विशाल सर ने आपको बहुत कुछ पढ़ा रखा है। और स्पेशल क्लास कल होने वाली है, धासु स्पेशल क्लास। उस धासु स्पेशल क्लास के बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ा सा समय के बाद। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। आप वीकली टेस्ट से अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस कर सकते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन से जो आपको डाउट वगैरह आया है आप अपने डाउट को फैकल्टीज के द्वारा पूछ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट होता है। देयर इज ऑल्सो रैंक इंप्रूवमेंट बैच जो कि आपकी रैंक को इम्प्रूव करता है। तो ज्वाइन द विशाल सेना लाओ, ओके, क्योंकि हर स्टूडेंट का एक ही नारा है, विशाल 11। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको विशाल सेना में सम्मिलित हो जाना है और आपको गोल चूज करना है एसएससी एग्जाम, फिर आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद 1 साल या 2 साल का आपको प्लान चूज करना है और आपको कोड लगा देना है VISHAL11, विशाल 11। क्या लगाना है? विशाल 11, ठीक है। जैसे आप विशाल 11 कोड लगाते हैं यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन फीस। और अगर आप फीस एक साथ नहीं भर सकते हैं तो अन अकेडमी आपको प्रोवाइड करता है नो कॉस्ट ईएमआई प्लान, जिसमें आपको विदाउट एनी इंटरेस्ट आप फीस को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो वेरी गुड इवनिंग जयदीप यादव, कैसे हैं आप बेटा? ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है विशाल 11, इससे भी आप जुड़ जाएंगे बिकॉज इट इज़ अ वन थिंग जिससे आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। सारी क्लासेस के लिंक, PDF, इस क्लास का भी लिंक आफ्टर द बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का PDF आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द क्लास। तो जो भी आपको स्टडी मटेरियल रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मोर देन 400 PDF मैंने यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार स्पेशल क्लास देख रहे हैं तो आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, गोल चूज करना पड़ेगा SSC एग्जाम और मुझे फॉलो कर लीजिएगा विशाल शर्मा प्रोफाइल पे। तो ये मेरी प्रोफाइल है और उसके बाद आप मेरी फ्री स्पेशल क्लास पर क्लिक कीजिएगा और इनविटेशन कोड एंटर कर दीजिएगा विशाल 11। जैसे ही आप ये इनविटेशन कोड एंटर करते हैं तो आपके जितने भी फ्री प्लान्स होंगे, फ्री स्पेशल क्लासेस, क्विजेस, कॉम्बैट, ओके, मॉक टेस्ट, ये सभी के सभी अनलॉक हो जाएंगे। सिर्फ एक बार ही पूछता है विशाल 11, ओके। चलिए अब हम हमारे आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा आज के सेशन का। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन क्या है देखिए, ये बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रख लेना क्योंकि यहाँ पैराबोलिक बनने वाला है। क्या बनने वाला है? पैराबोलिक बनने वाला है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इफ एल इज द लेंथ ऑफ स्पैन ऑफ ए लाइट सस्पेंशन ब्रिज हुज ईच केबल कैरीज टोटल वेट डब्ल्यू एंड ए सेंट्रल डिप इज वाई, द हॉरिजॉन्टल पुल एट ईच सपोर्ट विल बी इक्वल टू। दोनों सपोर्ट्स पर हॉरिजॉन्टल पुल किसके इक्वल होगा, ये चीज आपको बतानी है।
ठीक है, दोनों सपोर्ट्स पर हॉरिजॉन्टल पुल किसके इक्वल होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें जो आपकी प्रोफाइल बनती है, इसकी अपने बात करते हैं केबल के द्वारा, तो ये प्रोफाइल बनती है बेटा पैराबोलिक प्रोफाइल बनती है। कैसी प्रोफाइल बनती है? पैराबोलिक प्रोफाइल बनती है। बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है। फटाफट इसका अभी फटाफट मुझे आंसर दे दीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, क्वेश्चन का आंसर बेहद ही आसान है। मान लीजिए कि ये आपका स्पेन लेंथ है एल, ठीक है, ये आपका स्पेन लेंथ है एल। हमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालनी है। मान लीजिए एक रिएक्शन आपकी लग रही है यहाँ पर और दूसरी रिएक्शन लग रही है आपकी यहाँ पर, और ये लोड लग रहा है, रिएक्शन लग रहा है आपका वर्टिकल अपवर डायरेक्शन में। दिस इज इन द ऑल्सो वर्टिकल अपवर डायरेक्शन, ये भी वर्टिकल अपवर डायरेक्शन में ही है, ठीक है। तो ये पॉइंट है मान लीजिए आपका ए, ये पॉइंट है मान लीजिए आपका बी। तो यहाँ पर जो वर्टिकल रिएक्शन है वो है वी ए, यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन है वी बी, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है एच ए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है एच बी। और जो आपका ये सेंट्रल डिप है, ये सेंट्रल डिप इन्होंने दे रखा है वाई दे रखा है, ठीक है, ये इन्होंने जो सेंट्रल डिप दे रखा है, दिस सेंट्रल डिप इज नथिंग, दिस सेंट्रल डिप इज वाई। ये सेंट्रल डिप क्या है? ये सेंट्रल डिप है वाई, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, दिस इज द पॉइंट सी, ये हमारा पॉइंट क्या है? सी है, क्योंकि ये सभी केबल्स से जुड़ी है, तो केबल से जुड़े होने के कारण हर पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। केबल केबल आपका कोई भी रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट प्रोवाइड नहीं करता है, बिल्कुल भी रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। मान लीजिए इस पर यूडीएल लग रहा है आपका डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, तो जो वी ए प्लस वी बी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? वो होगी डब्ल्यू इंटू एल के इक्वल, और जो वी ए होगा वही हमारा वी बी होगा, और ये इसके हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू के इक्वल। इसके इक्वल डब्ल्यू एल बाई टी के सॉरी टू के इक्वल। अब मैं सी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेता हूँ, क्या करता हूँ मैं सी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिखता हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला मूवमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला मूवमेंट। देखिए सी पॉइंट के अबाउट जब मैं मूवमेंट लूंगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मूवमेंट अबाउट सी, मूवमेंट अबाउट सी। तो सी पॉइंट के अबाउट जब मैं मूवमेंट लूंगा तो मूवमेंट अबाउट सी विल बी इक्वल्स टू, ये वी बी किस डिस्टेंस पर है? सर ये वी बी डिस्टेंस है एल बाई टू पर, माइनस ये यू डी एल लग रहा है आपका, ठीक है, माइनस ये आपका यू डी एल लग रहा है, यू डी एल लग रहा है डब्ल्यू इंटू एल बाई टू डिस्टेंस पर, और ये इसका सी जी के कहाँ होगा? एल बाई फोर पर होगा, और माइनस माइनस आपका ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट बी कितने डिस्टेंस पर लग रहा है? वाई पर लग रहा है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट बी, किस डिस्टेंस पर लग रहा है? ये वाई डिस्टेंस पर आपके लग रहा है, और ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा? वी बी, वी बी कितना है आपका? डब्ल्यू एल बाई टू, यहाँ भी क्या आ जाएगा? एल बाई टू, माइनस ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, ये हो जाएगा माइनस का एच बी इंटू में वाई। तो ये क्या होगा? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, तो यहाँ भी क्या आएगा? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट आएगा, विल बी इक्वल्स टू एच बी इंटू में वाई। तो यहाँ से जो आपकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी ये हो जाएगी आपकी डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई एट वाई। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर सॉरी एल कट जाएगा ना, एल 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 तो भैया इसने काट दिया, एल है नहीं यहाँ पे वैसे, चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टोटल वेट डब्ल्यू है, अच्छा टोटल वेट डब्ल्यू है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, हाइड हो जाता हूँ एक बार में, टोटल वेट डब्ल्यू है, तो एच बी विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल डिवाइड बाई एट वाई। सही है, टोटल वेट डब्ल्यू है, टोटल वेट आपका डब्ल्यू है, तो टोटल वेट क्या होगा? डब्ल्यू इंटू एल, टोटल वेट हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एल, तो यहाँ से डब्ल्यू इंटू एल को मैं सेपरेट कर लूंगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, फोर नहीं आएगा मयंक बाबू, एट वाला ही आंसर आपका सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू। एक व्हीकल इट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, इट विल एग्जर्ट ए प्रेशर सच दैट,
एक व्हीकल है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो इनर व्हील और आउटर व्हील के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनर व्हील की जो रिएक्शन होगी वो कम होगी, आउटर व्हील की रिएक्शन ज़्यादा होगी ड्यू टू द गायरोस्कोपिक इफेक्ट। आपका इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पर अब हम आते हैं। बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ डज नॉट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए कौन सा नियम एप्लीकेबल नहीं है? बताइए जरा, सिंपल पेंडुलम के लिए कौन सा लॉ एप्लीकेबल नहीं है? द टाइम पीरियड डजंट डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, square root of its length, the time period is inversely proportional to the square root of its acceleration due to gravity. बताइए question number 3 का answer क्या होगा? देखिए जो time period होता है 2 pi under root of L divide by G, L divide by G है ना। अब देखिए the time period doesn't depend on its amplitude, the time period is proportional to its length है ना, तो इस और द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, द टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये सही है, द टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। तो भैया ये भी सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर दीजिए कि अगर हमें टाइम पीरियड को डबल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें टाइम पीरियड को डबल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टू पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइड बाई जी। टाइम पीरियड को डबल करने के लिए लेंथ को चार गुना करना पड़ेगा है ना। टाइम पीरियड को डबल करने के लिए टाइम पीरियड को डबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेंथ को चार गुना करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा? लेंथ शुड बी क्वाड्रलब्ड, लेंथ शुड बी क्वाड्रलब्ड। ओके, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आंसर दो भाई, ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ, अटेंडेंस मार्क ही नहीं की आज तो सभी लोगों ने अपनी, अटेंडेंस मार्क ही नहीं की, ऐसे क्या कर रहे हो भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पर आइए। ए बॉडी इज वाइब्रेटिंग 10 वाइब्रेशंस पर सेकंड एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकंड, इन सेंटीमीटर पर सेकंड। भैया मल्टीप्लाई करना है सीधा, मैं सीधा इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर देखिए 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस है? 10 वाइब्रेशंस है। 1 सेकंड में 10 वाइब्रेशन है आपके, 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन है? 10 वाइब्रेशन है, 10 वाइब्रेशन। और एक वाइब्रेशन में ये क्या करता है? 2 पाई एंगल घूमता है। एक वाइब्रेशन में ये क्या करता है? ये एक वाइब्रेशन में 2 पाई रेडियन जो एंगल है ये घूमता है। कितना घूमता है? 2 पाई रेडियन एंगल घूमता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसने सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या करता है? एक वाइब्रेशन में 10 सेंटीमीटर पहले तो नीचे जाता है, फिर 10 सेंटीमीटर ऊपर आता है, तो एक वाइब्रेशन में ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। और इसमें दे रखा है, और 1 सेकंड में कितनी बार करता है? 10 बार करता है, तो 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 200 आ जाएगा ऑप्शन सी, 200 ऑप्शन आ जाएगा सी, ठीक है। सिक्स, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फॉलिंग बॉडी। कोई बॉडी नीचे गिर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी और उसकी काइनेटिक एनर्जी का जो समेशन होता है वो किसके इक्वल होता है? बताओ, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो समेशन होता है वो किसके इक्वल होता है? गाइस इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते, मुझे ऐसा लग रहा है सेल्फिश बनने लगे हो कि शेयर करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा सबका, ऐसे नहीं होता। तो भैया इट इज कॉन्स्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स, इट इज कॉन्स्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस, वेरी गुड।
सेवेंथ नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए. इफ टू बॉडीज, वन इज लाइट अदर इज हैवी, हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा. दो बॉडी है हमारे पास, एक है लाइट एक है हमारे पास हैवी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा बताइए जरा. देखिए एक लाइट है और एक हैवी है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, एक लाइट है एक हैवी है, तो मास इनटू वेलोसिटी, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा. ठीक क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. यूज योर कॉमन सेंस. एट्थ नंबर क्वेश्चन, ए बकेट ऑफ वाटर वेइंग 10 केजी इज पुल्ड अप फ्रॉम ए 20 मीटर डीप वेल बाय ए रोप वेइंग 1 केजी पर मीटर लेंथ, देन द वर्क डन विल बी इक्वल टू, वर्क डन किसके इक्वल होगा बताइएगा. वर्क डन किसके इक्वल होगा, तो एक होगा वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन आपका होगा आपने कितना वेट उठाया है मल्टीप्लाई बाय आपने उसको कितनी डिस्टेंस पर उठाया है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है. तो देखिए आप कितना वेट उठा रहे हो, देखो आप अगर हम बात करें वेट, वेट कितना उठा रहे हो, एक तो हो जाएगा आपका वेट ऑफ बकेट ना, वेट ऑफ बकेट, और फिर होगा आपका वेट ऑफ रोप, वेट ऑफ बकेट प्लस वेट ऑफ रोप, सो दिस विल बी द टोटल वेट. वेट ऑफ बकेट कितना है, वेट ऑफ बकेट है आपका 10 केजी, प्लस रोप का वेट कितना है 1 केजी पर मीटर, कितना मीटर डीप वेल है 20, कितना मीटर डीप वेल है 20 मीटर डीप वेल है, ये क्या होगा 1 × 20, तो ये कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा ना, 30 केजी. अब आप क्या कर रहे हो, आप इसको उठा रहे हो 20 मीटर तक, आप इसको क्या उठा रहे हो 20 मीटर तक उठा रहे हो, वन केजी पर मीटर, तो ये तो टोटल हो गया आपका 30 केजी ना. लेकिन आप जब वो रोप को उठा रहे हो, रोप को जब आप निकालते हो तो 1 मीटर निकाल देते हो, तो फिर आपका 19 बचता है, तो इसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, ये 10 हो जाएगा, 10 और 10 ये 20 हो जाएगा, एवरेज वेट लेना पड़ेगा, और 20 × 20 मीटर हम डीप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर 40 आ जाएगा. बात आ रही है समझ में, जब आपकी रोप मान लीजिए 20 मीटर लंबी रोप है, तो 20 केजी वेट है, 20 केजी उठाया, 1 मीटर जाने के बाद फिर 90 केजी उठाओगे, फिर 18 केजी, फिर 17, 16, 15, ऐसे करते करते आप वेट को उठाओगे, है ना. तो रोप का वेट क्या है, रोप का जो वेट है वो आपका वेरिएबल वेट है, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वो यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिएबल है, 20, 19, तो उसको हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगी 10, तो 10 + 10 = 20, कितनी हाइट तक उठा रहे हो, 20 तक उठा रहे हो, तो 20 × 20 आपका कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा. यस, जो डेली क्लासेस होती है, एक होती है शाम को 5 बजे, एक होती है रात को 10 बजे. चलिए क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर दीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए बॉडी अंडर गोइंग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का आंसर बताइए क्या होगा. ए बॉडी एट रेस्ट ऑन ए टेबल, ए बॉडी ट्रेवलिंग इन ए सर्कुलर पाथ, ए बॉडी रोटेटिंग विद अ कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट एन एक्सिस, ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, बताइए. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो बॉडी इज रेस्ट ऑन ए टेबल, बॉडी ट्रेवलिंग इन ए सर्कुलर पाथ, बॉडी रोटेटिंग विद कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड, बॉडी स्लाइडिंग डाउन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन. तो अगर फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है और स्लाइडिंग डाउन हो रहा है, तो वहां पर एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन है तो वहां इक्विलिब्रियम नहीं है. इसका आंसर होगा 9th का ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. ए बॉय इज स्विंगिंग ऑन ए स्विंग इफ अनदर बॉय सिट्स अलोंग विद हिम विदाउट डिस्टर्बिंग हिज मोशन
इट्स टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल बी, तो कोई एक बच्चा है वो झूला झूल रहा है मान लीजिए, और अचानक से उसके पास एक और बच्चा बैठ जाता है, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है उस पर क्या इफेक्ट आएगा बताइए, टाइम पीरियड जो होता है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। देखिए इसमें कह रखा है कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया उसके मोशन को, टाइम पीरियड इज नथिंग टू पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइड बाई जी। भैया एल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टू पाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो भैया टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। शिवम सिंह स्पेशल क्लास में करवाया था, जस्ट करवाया ही है, उसकी जो क्लासेस के जो लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, अगर आप कहेंगे तो उसका पेपर का भी सॉल्यूशन अपने लेके आ जाएंगे। तो टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। इलेवेंथ देखिए, द टाइप ऑफ मोशन व्हेन एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन आपका डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है बताइए, एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बताओ भाई, देखिए एम इंटू एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो। देखिए एक्स डबल डॉट प्लस के बाई एम एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो देखो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है एक्सीलेशन, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है एक्सीलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसका सही आंसर हो जाएगा। एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इट्स मास, डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इट्स मास, रिमेन्स अनचेंज्ड विद द वेरिएशन ऑफ द मास, वेरीज एट द स्क्वायर ऑफ द चेंज इन द मास। क्या मास पर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं करता। जो आपका एस्केप वेलोसिटी है ठीक है किसी बॉडी का टू द अर्थ, इट विल रिमेन सेम इट फॉर ऑल मासेस, तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड विद द वेरिएशन ऑफ मासेस। तो ट्वेल्थ का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिंपल बेसिक साइंस का ये आपका क्वेश्चन है, साइंस का ये आपका क्वेश्चन। 13 देखिए, द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन, अर्थ की सरफेस के पास है, अर्थ की सरफेस के पास है, तो भैया आपकी जो वेलोसिटी होगा सैटेलाइट का ये किस पर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट होता है बेटा अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइड बाय आर। देखिए रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ओनली, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी इंटू आर, ये फॉर्मूला भी आपका बनता है, तो इसका आंसर आपके सी बनेगा। यस वेरी गुड अक्षर। 14 सर्कुलर डिस्क रोल्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, द फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स रोटेशन, रोटेशन के साथ कितना पार्ट इसका एनर्जी का एसोसिएटेड होगा ये आपको बताना है, बताइए टोटल एनर्जी का कितना परसेंटेज आपके रोटेशनल एनर्जी में रहता है। देखिए रोटेशनल एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या होगी? 1/2 mv² यही होगी, 1/2 mv² इन दोनों का जो समेशन होगा वो क्या होगा? टोटल एनर्जी होगा, ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, तो E is equals to 1/2 mv² plus rotational energy 1/2 I, क्या होगा? देखिए डिस्क है, डिस्क है तो डिस्क का क्या होगा? mr² / 2 into ओमेगा, क्या होगा? ओमेगा होता है v/r का होल स्क्वायर, है ना, v/r का होल स्क्वायर, तो ये देखो 2 2 4 हो गया, ये है ना, ये 2 और 2 क्या हो गया, ये 4 हो गया, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगा? टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/4 mv²
वन बाय फोर mv² 1/4 mv² ठीक है। तो अपने को ये पोर्शन निकालना है कि रोटेशनल के साथ कितना होगा, तो 1/4 / 1/2 + 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1/4 / ये हो जाएगा आपका 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 1/3 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सॉल्यूशन। ये टोटल, ये रोटेशनल एनर्जी का पार्ट है, ये ट्रांसलेशनल एनर्जी का पार्ट है, तो टोटल एनर्जी का रोटेशनल एनर्जी कितना परसेंटेज है, ये 1/3 पार्ट है, 33% है, कितना परसेंट है, 33% है। आगे बढ़े, 15th क्वेश्चन। कोई बॉडी है जिसका एयर में वजन है 60 ग्राम, वाटर में वजन है 50 ग्राम, ऑयल में वजन है 40 ग्राम, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी। बेहद आसान क्वेश्चन है। देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल, ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑयल का पूछा है, तो ऑयल का अपने निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर ना, विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालेंगे। तो ऑब्जेक्ट का वेट है वाटर में 50 और एयर में है 60 और 40 है आपका किसमें, ऑयल में। तो ऑयल उस पर ज्यादा बायंसी फोर्स लगा रहा है, तो ऑयल हैवी है एज कंपेयर टू द वाटर, ऑयल हैवी है एज कंपेयर टू द वाटर। तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 - 40 / 60 - 50, ये हो जाएगा 20 / 10 विल बी इक्वल्स टू 2, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बढ़े आगे, अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा सभी लोग अपनी। क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। देखिए फ्लूइड मैकेनिक स्टार्ट हो गया है, 15 तक जो आपके क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आपके मैकेनिक्स से थे, मैकेनिक्स से क्वेश्चन थे, और ये आपका पिछला फ्लूइड मैकेनिक्स सही मान लीजिए। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एज कम्पेयर टू द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है CC × CV, इट इज लेस देन CV, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज मोर एज कम्पेयर टू द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज मोर एज कम्पेयर टू द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, तो बी आंसर इज द राइट आंसर, बी आंसर आपका राइट आंसर है, समझ में आया। 17th, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय विच ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द फ्लूइड्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होते हैं, इट इज अ फोर्स ऑफ कोएसन या फिर एडिशन, ए फॉर अलग अलग, ए फॉर एडिशन, तो इट इज अ फोर्स ऑफ एडहेशन, इट इज अ फोर्स ऑफ एडहेशन, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिकुलर फ्लूइड्स के बीच में। 18, तो डेप्थ ऑफ वाटर बिलो द स्पिल वे एंड आफ्टर हाइड्रोलिक जंप आर 1 इंच एंड 6 इंच रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द हेड लॉस, है ना, व्हाट विल बी द हेड लॉस। तो इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, y2 - y1² डिवाइड बाय 4 × y1 और y2। हालांकि ओपन चैनल फ्लो का क्वेश्चन है, ओपन चैनल फ्लो का ये क्वेश्चन है, तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा, 6 - 1 4 × 6 - 1। ये 25/24 हो जाएगा, 1.04 आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, 6 - 1³ होगा मेरे हिसाब से, क्यूब होना चाहिए वैसे, शायद क्यूब होगा, ये स्क्वायर नहीं होगा, हेड लॉस निकालना है ना, तो ये स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा, क्यूब होगा, तभी तो ऊपर मीटर क्यूब है, नीचे मीटर स्क्वायर है, तभी तो मीटर आएगा,
ये 5 का क्यूब 125/24, तो 5 पॉइंट कुछ समथिंग हो जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमें टिक करना पड़ेगा बी, है ना, ऑप्शन बी हमें टिक करना पड़ेगा। 19th, नो रेजिस्टेंस इज इनकाउंटर्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट, ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट में बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है। शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस, बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है बेटा, जीरो रेजिस्टेंस। जीरो रेजिस्टेंस मतलब जीरो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी है ही नहीं। तो ऐसा फ्लूड क्या कहलाता है? ऐसा फ्लूड कहलाता है आइडियल फ्लूड। क्या कहलाता है ऐसा फ्लूड? ऐसा फ्लूड कहलाता है आपका आइडियल फ्लूड कहलाता है, जो कि बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं देता है। 20, हेड लॉस इन द टर्बुलेंट फ्लो इन ए पाइप, तो वेरीज डायरेक्टली एज वेलोसिटी, वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, वेरीज अप्रोक्सीमेटली एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, वेरीज अप्रोक्सीमेटली एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, वेरीज अपॉन ए स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द पाइप। सो 32, ये म्यू वी अपॉन रो जेड स्क्वायर, 12 म्यू वी एल अपॉन रो जेड स्क्वायर। तो भैया ये मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली एज अ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। एग्जैक्टली तो लेमिनार फ्लो में होता है, एग्जैक्टली तो लेमिनार फ्लो में होता है, तो यहाँ टर्बुलेंट फ्लो है तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। एग्जैक्टली तो आपका लेमिनार फ्लो में होता है, यहाँ ऊपर टर्बुलेंट फ्लो दे रखा है ना। ओहो, 21, फोर्स एग्जैक्टेड, फोर्स निकालना है अपने को, सीधा डायग्राम ही दे दिया इस बार तो। फ्री जेट, इम्पैक्ट ऑफ फ्री जेट का क्वेश्चन नहीं है, बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, टेन थीटा तो होगा नहीं, टेन थीटा तो होगा नहीं, ए या बी में से कोई होगा, ए या बी में से कोई होगा, तो क्या आंसर होगा इसका? रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा, रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा। तो ए में तो रो है ही नहीं, बी में रो है, बी में रो है तो अच्छी बात है, आंसर इसका हो जाएगा बी। सभी आंसर दीजिए भाई, ऐसे मत करो। 22, द वियर सिस्टम इज विच इन डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल ऑफ द वियर नैप इज हायर देन द क्रेस्ट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड। भैया ये तो आसान सा क्वेश्चन है। 22, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोई बात नहीं, बताइए। द वियर सिस्टम इन विच द डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल ऑफ द वियर नेपे इज हायर देन द क्रेस्ट इज कॉल्ड। यस 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 भैया, क्या होता है ये? तो जो आपका वियर नेपे है, इसमें जो डाउन स्ट्रीम लेवल है हायर देन द क्रेस्ट, क्रेस्ट से भी ज्यादा है, क्रेस्ट से भी ज्यादा है। 22 का आंसर दो सभी। अटेंडेंस तो हमने मार्क करनी नहीं है, कसम खा रखी है। ठीक है, तो क्या क्या होगा भैया इसका आंसर क्या होगा? सबमर्ज होगा। एक्शियल फ्लो पंप के लिए भैया डिलीवरी वाल्व, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए आपके अक्टूबर 2020 में क्वेश्चन आया था। सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए डिलीवरी वाल्व जो होता है वो क्लोज रखा जाता है, और क्योंकि एक्शियल फ्लो पंप की स्पेसिफिक स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो स्पेसिफिक स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण डिलीवरी वाल्व इसका ओपन रखा जाता है। तो एक्सियल फ्लो पंप का ओपन रखा जाता है और सेंट्रीफ्यूगल का क्लोज। 24, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किसके बेसिस पर है? कंजर्वेशन ऑफ, किसके कंजर्वेशन पर आती है? बहुत इजी सा क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताओ बताओ बताओ। ये क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ मास, वेरी गुड। 25,
When piping system is made up primarily for friction head and very little of the vertical lift, then the pipe characteristic should be vertical lift बहुत ही कम है, vertical lift बहुत ही कम है ना, कम है, very little है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है, तो पाइप नियरली हॉरिजेंटल होगा. पाइप नियरली हॉरिजेंटल रहेगा. चलो 26, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है सर्कुलर पाइप के केस में? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या, ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ नहीं है, ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है. हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है एरिया डिवाइड बाय पैरामीटर, ये होगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर डिवाइड बाय पाई डी, तो ये हो जाएगा डी बाय 4. हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज डी बाय 4, नॉट डी, डी बाय 4. तो डी है वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है विच इज यूज टू डिटरमाइन द रेनॉल्ड्स नंबर. तो 26 का ऑप्शन डी. 27, ये इस बार आया था क्वेश्चन, इस बार अक्टूबर 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, अक्टूबर 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेईई में. कौन कहता है रिपीटेड नहीं होता? सेंट्रीफ्यूगल पंप में लिक्विड एंटर कहाँ से करता है? सेंटर से करता है, सेंटर से करता है ना, तो इसीलिए कहता हूँ पी वाई क्यूज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पी वाई क्यूज बहुत ज़्यादा जरूरी है. देन यू विल गेट एन आइडिया कि किस टाइप के जो आपके क्वेश्चन हैं वो एग्जामिनेशन में बनते हैं. तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि बॉलिंग कैसे आने वाली है, बाउंसर आने वाली है, कैसी बॉलिंग आने वाली है, मालूम होना चाहिए. 27 हो गया. 28, हेड लॉस इन द फ्लोइंग फ्लूइड इज एक्सपीरियंस ड्यू टू. हेड लॉस जो होता है वो किसके कारण होता है बताइए ज़रा. 28 भैया, हेड लॉस, हेड लॉस में मेजर लॉसेस भी काउंट होते हैं, माइनर लॉसेस भी काउंट होते हैं, दोनों लॉसेस आपके काउंट होते हैं, दोनों लॉसेस आपके काउंट होते हैं. तो मेजर लॉस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड माइनर लॉस इज ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड. मोमेंटम कैसे चेंज हो सकता है? वेलोसिटी चेंज होने के कारण. वेलोसिटी कैसे चेंज होती है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होने के कारण. मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होता है? पाइप का क्रॉस सेक्शन चेंज होने के कारण, फ्लो की डायरेक्शन चेंज होने के कारण भी वेलोसिटी चेंज होती है. तो भैया डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हुई, सेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन आने से वेलोसिटी चेंज हुआ. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 29, हाई स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन इम्प्लाइज कि वो टर्बाइन कौन सा है बताओ. इम्पल्स टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड होती है 0 से लेकर 60, फ्रांसिस टर्बाइन की होती है 60 से 300, प्रोपेलर टर्बाइन की होती है 300 से 600, और कापलान टर्बाइन की होती है 600 से 1000. कापलान टर्बाइन की होती है 600 से 1000. भैया हाई स्पेसिफिक स्पीड किसकी है? ए. हाई स्पेसिफिक स्पीड किसकी है? ए की है. आंसर नहीं आ रहा यार, इतना जल्दी आंसर नहीं आ रहा, गलत बात है ये तो. धीरे धीरे आंसर दे रहे हो, ये क्या मतलब है? हैं, आंसर दो भाई. प्रोपेलर टर्बाइन. 31, डायमेंशनल फ्लो कौन सा होता है? वन डायमेंशनल फ्लो कौन सा होता है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन पढ़ के आंसर दीजिएगा, इसमें गड़बड़ हो जाएगी अगर इसमें आप सीधा ही आंसर देने लगे, गड़बड़ हो जाएगी. सारे क्वेश्चन पढ़ के इसमें आपको ऑप्शन टिक करना है. तो वन डायमेंशनल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो चेंजेस होते हैं वो नेगलेक्ट किए जाते हैं. इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 30 का क्या मुझे ही आंसर नजर नहीं आ रहे हैं, क्या सीन है? टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड किस पे डिपेंड करती है? देखो यहाँ डिस्चार्ज लिख रखा है तो ये नहीं होगा, डिस्चार्ज लिख रखा है, यहाँ पे डिस्चार्ज लिख रखा है, ये भी नहीं होगा. पावर आ गया, देखो पावर, टर्बाइन पावर प्रोड्यूस करता है, तो आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी.
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 32 पर आइए, माउथ पीस इज रनिंग फुल एट द आउटलेट द वैक्यूम एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, द वैक्यूम एट वीना कॉन्ट्रैक्टा इंक्रीजेस वेलोसिटी ऑफ जेट, डिक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ जेट, डिक्रीजेस द डिस्चार्ज, डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो बताइए क्या होगा, वीना कॉन्ट्रैक्टा पर एरिया मिनिमम होगा, है ना। वीना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है, जहां पर एरिया मिनिमम हो, तो एरिया मिनिमम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो वीना कॉन्ट्रैक्टा पर अगर प्रेशर कम हो गया, वैक्यूम प्रेशर हो गया, तो ऑल प्रेशर एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ जेट। अगर वीना कॉन्ट्रैक्टा पर वैक्यूम आ जाता है तो वैक्यूम आने का मतलब है प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम होकर कहाँ गया, प्रेशर एनर्जी कहाँ गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो 32 हो गया। 33, जब आपका फ्लूइड कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर फ्लो करता है, इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स में फ्लो करता है, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, बताइए। ये वोर्टेक्स फ्लो है, ये वोर्टेक्स फ्लो है। तो ये जो वोर्टेक्स फ्लो है, तो भैया कैसा वोर्टेक्स फ्लो है, फ्री वोर्टेक्स फ्लो। देखो ये वोर्टेक्स फ्लो, ये वोर्टेक्स फ्लो, तो ये क्या हो जाएगा, डी, फ्री सिलेंड्रिकल वोर्टेक्स फ्लो। कैसा फ्लो, फ्री सिलेंड्रिकल वोर्टेक्स फ्लो, ओके, फ्री सिलेंड्रिकल वोर्टेक्स फ्लो। 34, मैक्सिमम इम्पल्स विल बी डेवलप्ड इन ए हाइड्रोलिक लैम। इम्पल्स मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। मैक्सिमम इम्पल्स कब जनरेट होता है, बताइए फटाफट। मैक्सिमम इम्पल्स, मैक्सिमम फोर्स कब क्रिएट होगा, मैक्सिमम फोर्स कब क्रिएट होगा, बताओ। जब बॉल को आप सडनली क्लोज कर दोगे, तो अचानक से बॉल क्लोज होने के कारण आपकी वेव्स क्रिएट होगी, प्रेशर्स क्रिएट होंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम इम्पल्स क्रिएट होगा, विच विल क्रिएट, मैक्सिमम इम्पल्स विल क्रिएट। तो जब आपका वॉल सडनली क्लोज हो जाए, जब आपके वॉल सडनली क्लोज हो जाए, क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज्ड टू मेजर, क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज्ड टू मेजर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज्ड टू मेजर, बताओ भाई, सभी आंसर दो, सिर्फ पवित्र आंसर दे रहा है, बाकी क्या कर रहे हो, हैं, सो रहे हो क्या बाकी। क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज टू मेजर, क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज टू मेजर द डिस्चार्ज इन एन ओपन चैनल, डिस्चार्ज इन एन ओपन चैनल। 36, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड का पंप कौन सा होता है, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड का पंप कौन सा होता है, एक्सेल का तो ज्यादा होता है स्पीड, एक्सेल का स्पेसिफिक स्पीड तो ज्यादा होता है। तो मीडियम स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप इंप्लाइज दैट इट इज ए मिक्स्ड फ्लो पंप, इट इज ए मिक्स्ड फ्लो पंप। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ऊपर होता है टोटल एनर्जी लाइन, नीचे होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, इज ऑलवेज मूविंग अप, इज ऑलवेज मूविंग डाउन, ऑलवेज अबव द एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, वेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। बताओ बताओ, 37 का आंसर तो आ ही गया, 37 का तो आंसर सारे ऑप्शन पढ़ने से ही आ गया, तो बता ही सकते हो क्या आंसर होगा इसका, बताइए। यस यस, तभी बताओ भाई, सिर्फ एक बच्चे का आंसर आ रहा है, बाकी क्या कर रहे हो, सो रहे हो गया, हाथ क्या बिस्तर के अंदर डाल के ईयरफोन लगा के सुन रहे हो मुझे लग रहा है है ना, हाथ बिस्तर के अंदर डाल दिए और कान में ईयरफोन लगा दिया, सर्दियों में यही तो होता है,
बिस्तर के अंदर हाथ डाल दो, कान में ईयरफोन लगा दो, चालू हो जाओ। ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 38। द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ बकेट ऑफ ए पेल्टन व्हील टू द डायमीटर ऑफ द जेट। डेप्थ ऑफ बकेट, ये है डेप्थ ऑफ बकेट टू द डायमीटर ऑफ जेट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये किस ऑर्डर का होता है बताइए जरा। किस ऑर्डर का होता है बताइए बताइए बताइए। यस यस यस, बताइए भाई। ये 1.2 39 कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एरिया ऑफ फ्लो टू द ओरिफिस इन टैंक्स डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ द ओरिफिस, साइज ऑफ द ओरिफिस, हेड इन द टैंक। हेड इन द टैंक बताइए, शेप ऑफ द ओरिफिस, साइज ऑफ द ओरिफिस एंड हेड इन द टैंक। तो डिस्चार्ज क्या होता है? वैसे डिस्चार्ज होता है आपका सीवी अंडर रूट ऑफ 2GH, अंडर रूट ऑफ 2GH इनटू एरिया। भैया सीवी किस किस पर डिपेंड करता है? देखो सीवी डिपेंड करता है एरिया पर, कि शेप पर भी डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, हेड पर भी डिपेंड करेगा है ना, तो साइज पर भी डिपेंड करेगा, हेड पर भी डिपेंड करेगा, साइज पर, शेप, तीनों पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। फ्लो एट क्रिटिकल डेप्थ इन ओपन चैनल, ये डिस्चार्ज पूछ रहा है, एनर्जी नहीं पूछ रहा। स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम, स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम, एनर्जी मिनिमम होता है, डिस्चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम एंड डिस्चार्ज इज मैक्सिमम, डिस्चार्ज इज मैक्सिमम। तो ये ध्यान रखिएगा, डिस्चार्ज होता है मैक्सिमम, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम। इस बार एसएससी जेई में स्पेसिफिक एनर्जी का आया था, अक्टूबर 2020 में स्पेसिफिक एनर्जी का पूछा गया था। 41। कापलान टरबाइन में नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने होते हैं बताइए जरा। बहुत कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, हिंट दे दिया मैंने। कापलान टरबाइन में नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने होते हैं? यस, हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्लेड्स आर देयर इन द कापलान टर्बाइन? याहू, यस 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 यस, तो कितने होते हैं? 4 से 8 होते हैं। 42 पर आइए। एयर वेसल्स रेसिप्रोकेटिंग पंप में यूज में ली जाती है, क्यों यूज में ली जाती है? इसका आंसर आप मुझे बताओ। Why we are going to use the air vessels in case of the reciprocating pump? Reciprocating pump के केस में air vessels क्यों use में ली जाती है? What are the reasons behind that? इसके पीछे का क्या कारण है? Air vessels in reciprocating pumps are used. Why? What are the reason behind that? It is used to smoothen the flow, reduce the acceleration, increase the pump efficiency, save up from the cavitation. So 42 का आंसर क्या होगा? 42 का आंसर होगा smoothen the flow. Reciprocating pump में फ्लो को स्मूथ करने के लिए एयर वेसल्स का यूज किया जाता है, पंप की एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होती, पंप की एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होती भाऊ। हाइड्रोलिक इंटेंसिव फायर में क्या क्या होता है? हाइड्रोलिक इंटेंसिव फायर में क्या क्या होता है? हाइड्रोलिक इंटेंसिव फायर में क्या होता है बताइए जरा। ए हाइड्रोलिक इंटेंसिव फायर नॉर्मली कंजिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है? टू कोएक्सियल रेम्स होता है और दो सिलेंडर होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैविटेशन क्यों होता है? 44। कैविटेशन क्यों होता है?
कैविटेशन इज रिलेटेड टू द प्रेशर, कैविटेशन इज रिलेटेड टू द प्रेशर। तो जब किसी क्षेत्र में, जब किसी जगह आपका जो प्रेशर है वो अगर आपके वेपर प्रेशर से कम हो जाए तब आपका कैविटेशन होता है और आपका जो वर्किंग फ्लूड है ये आपके वेपराइज्ड हो जाता है, बबल में कन्वर्ट हो जाता है। 45, विस्कस फ्लूइड्स को पंप करने के लिए कौन सा पंप यूज में लिया जाता है, विस्कस फ्लूइड को पंप करने के लिए कौन सा पंप यूज में लिया जाता है। यस यस यस, वेरी गुड आशीष, हसन एंड पवित्र, कौन सा पंप यूज में लेते हैं मित्रों बताओ जरा। मार्क योर अटेंडेंस गाय बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन। हाँ भैया, हम यूज में लेते हैं स्क्रू पंप, स्क्रू पंप यूज में लेते हैं। 46, ऐसे स्टील, स्टील हुज एलिमेंट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मॉडिफाइंग द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। तो ऐसे स्टील को हम क्या करते हैं, हम कुछ मिक्सिंग वगैरह करते हैं स्टील में, एलोइंग करते हैं। क्या करते हैं? एलोइंग करते हैं। इसी में आंसर छुपा है आपका, मैंने आंसर ही बोल दिया भैया। ऐसे स्टील कहलाते हैं एलो स्टील। क्या कहलाते हैं? एलो स्टील कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यस यस, शेयरिंग इज केयरिंग। 47, ऐसा स्टील जिसमें 36% निकल हो, ऐसा स्टील जिसमें 36% निकल हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बताइए। ऐसा स्टील जिसमें 36% तक निकल हो, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, तुक्का भी मारोगे तो भी आ जाएगा। इनवार स्टील कहलाता है वो। क्या कहलाता है? इनवार स्टील कहलाता है। कार्बन स्टील इज प्रोड्यूस बाय एडिंग द कार्बन स्टील एंड एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन विद वेरिंग क्वांटिटीज ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर। Purer than the cast iron, none of these, बताइए क्या होगा? कार्बन स्टील, कार्बन स्टील में ऑब्वियसली कार्बन तो होगा ही होगा, जरूर थोड़ी सिर्फ कार्बन ही हो, उसमें और भी तो बहुत चीज़ें हो सकती है, बाकी चीज़ें भी तो हो सकती है, बाकी चीज़ें क्या नेग्लेक्ट कर दोगे? जरूर थोड़ी सिर्फ कार्बन ही कार्बन हो, उसमें आपका फॉस्फोरस और सल्फर भी तो हो सकता है। 48 का बी भी होगा। 49, स्टील में कितना परसेंटेज कार्बन होता है? 2% से कम होता है ना, 2% से कम होता है, बताइए क्या होगा? 49 का 0.1 से 1.5%, 0.1 से 1.5% कार्बन होता है आपके स्टील में अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। 50, हार्डनेस किस पर डिपेंड करती है? स्टील की हार्डनेस किस पर डिपेंड करती है? एक ही एलिमेंट पर डिपेंड करती है। डायमंड की हार्डनेस भी इसी चीज़ पर डिपेंड करती है। हार्डनेस ऑफ द स्टील डिपेंड्स ऑन, बताओ भाई, हार्डनेस ऑफ द स्टील डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड करती है? यस यस यस, वेरी गुड गाइज, मार्क योर अटेंडेंस बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन। बार बार कहना पड़ रहा है आपको। अमाउंट ऑफ कार्बन, 50 का बी, अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेनिंग इन द स्टील। 51, यील्ड पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए क्या मिक्स किया जाता है लो कार्बन स्टील में? यील्ड पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए क्या मिक्स किया जाता है लो कार्बन स्टील में? कार्बन मिक्स करेंगे तो वो हाई कार्बन स्टील बन जाएगा, लो कार्बन स्टील ही बनाए रखना है। तो कार्बन को मिक्स मत कर देना, कार्बन को मिक्स मत कर देना। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, फॉस्फोरस को मिक्स किया जाता है। इसको मिक्स किया जाता है, फॉस्फोरस को मिक्स किया जाता है। 52, एलॉय स्टील, स्टील में जो कार्बन होता है उसमें क्या होता है? एलॉय स्टील में क्या होता है भैया? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये।
बेस्ड क्वेश्चन है 52 का, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, फैक्चुअल डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.5% से ज़्यादा मैग्नीज और 0.5% से ज़्यादा सिलिकन होता है। एलॉय स्टील एज कम्पेयर टू द कार्बन स्टील इज मोर, एलॉय स्टील में तो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन इसमें बताइए आंसर क्या होगा। एलॉय स्टील ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें फटीग रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें तो भैया डी होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है ना। 53 में कॉमन सेंस लगाओ, एलॉय स्टील की प्रॉपर्टीज आपके प्लेन कार्बन स्टील से काफ़ी अच्छी होगी, तो कोई भी ऑप्शन थोड़ी बैठ रहा है ना। टफ होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, फटीग रेजिस्टेंस होगी, मशीनेबिलिटी अच्छी होगी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 54, ओहो, स्टील विच डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग, बर्निंग होगा ये, डिस्ट्रॉयड नाम में छुपा है इसका आंसर, इसका आंसर नाम में छुपा है डिस्ट्रॉयड, ज्यादा दिमाग मत लगाना, नाम में आंसर छुपा है, ठीक है, तो बनने की कोशिश ना करें, सीधा ऑप्शन में देख के आंसर को टिक करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। पवित्र बाबू आज तो धमाधम धमाधम सही आंसर दे रहे हैं। उज्जवल मंडल कैसे हो उज्जवल बाबू, तो भैया ये किल्ड स्टील होगा, कैसा स्टील होगा, किल्ड स्टील, एक सेकंड रुको, ये किल्ड स्टील होगा। 55 कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस इस बार भी एसएससी जेई में पूछा है अक्टूबर 2020 में, कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, पूछा जाता था और पूछा जाता रहेगा, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, आए हैं और आते रहेंगे, बात आ रही है समझ में। इसका आंसर क्या होगा, क्रोमियम, 55 का आंसर होगा क्रोमियम। फिफ्टी सिक्स, क्रेस्ट डायमीटर ऑफ ए स्क्रू थ्रेड इज सेम एज, क्रेस्ट तो ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं और रूट नीचे वाले पॉइंट को बोलते हैं, तो क्रेस्ट डायमीटर कौन सा होगा भैया बताओ जरा, क्रेस्ट डायमीटर कौन सा होगा, क्रेस्ट डायमीटर कौन सा होगा बताइए। क्रेस्ट डायमीटर आंसर दो भाई, आंसर ऐसे मत करो। क्रेस्ट डायमीटर होगा मेजर डायमीटर, कैसा डायमीटर, मेजर डायमीटर। 56, 57, वॉशर का क्या काम होता है भाई, जो हम वॉशर लगाते हैं है ना, जो हम वॉशर यूज करते हैं उसका क्या फंक्शन होता है, टू प्रोवाइड द कुशनिंग इफेक्ट, प्रोवाइड द बेयरिंग एरिया, एब्जॉर्ब द शॉक एंड वाइब्रेशन, प्रोवाइड स्मूथ सरफेस इन प्लेस ऑफ द रफ सरफेस, है ना, बताइए 57 का क्या होगा। ये एक तरीके का बेयरिंग एरिया प्रोवाइड करता है, क्या एरिया प्रोवाइड करता है, बेयरिंग एरिया प्रोवाइड करता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। वेरी गुड, 57 का बी, आशीष बाबू क्या बात है, क्या बात है। 58, भैया इसका यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका यूज करते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, है ना। तो देखो टेपर कर रखा है, थोड़ा सा पार्ट टेपर कर रखा है, तो काउंटर, काउंटर शैंक हो जाता है, वैसे इसमें तरीके से लिखा नहीं है, क्वेश्चन तरीके से लिखा नहीं गया है, लेकिन आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, आंसर विल बी द ऑप्शन सी। 59, अह कौन सी की नजर आ रही है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ठीक है,
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 59 मार्किंग देख रहा था, बहुत ही प्यारा। कौन सी की है ये? पिन की। ये पिन की क्या हो गया भाई? नेडी की 90 डिग्री पर होती है, लेविस के नाम का कोई चीज नहीं है, ये तो बार्थ की है, बार्थ की, बार्थ की, बार्थ की है ना, बार्थ की है। 60 आओ। फाइब्रस फ्रैक्चर अकर्स इन किस में होता है? फाइब्रस फ्रैक्चर जैसे खांचे से निकल जाते हैं, खांचे से निकल जाते हैं, बताओ। फाइब्रस फ्रैक्चर्स खांचे से निकलते हैं, खांचे से है ना, तीखे तीखे फाइबर्स के थ्रू। यस। किस मटेरियल में होता है ये बताओ? फाइब्रोस फ्रैक्चर इज अकर इन डक्टाइल मटेरियल, तो आपका 60 का हो जाएगा ए। फाइब्रस फ्रैक्चर को हम कप एंड कॉर्न फ्रैक्चर भी बोलते हैं। कैसा फ्रैक्चर? कप एंड कॉर्न फ्रैक्चर। 61। लीक प्रूफ जॉइंट के लिए कौन सी थ्रेड बेस्ट है? लीक प्रूफ जॉइंट के लिए कौन सी थ्रेड जो है आपकी बेस्ट है बताइए। लीक प्रूफ आपको कहाँ रिक्वायरमेंट होती है? पाइपों में तो रिक्वायरमेंट होती है। लीक प्रूफ कहाँ रिक्वायरमेंट होती है? पाइप में रिक्वायर्ड होती है। तो नेशनल पाइप थ्रेड जो स्पेशली डिजाइन की गई है पाइप के लिए, नेशनल पाइप थ्रेड जो स्पेशली डिजाइन की है पाइप के लिए, तो वो आपके उसके लीक प्रूफ के लिए काम आ जाएगी, है ना, लीक प्रूफ के लिए। 62। बैकिंग रिंग इन यूज इन साइड द पाइप ज्वाइंट व्हेन मेकिंग ए, एक बैकिंग रिंग प्रोवाइड करते हैं, बैकिंग रिंग हम प्रोवाइड करते हैं, वो किस लिए प्रोवाइड करते हैं बताइए? किस टाइप का पाइप जॉइंट बनाने के लिए प्रोवाइड करते हैं? कल भी होगा, कल 2 मार्च 2017 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट वन का, उसका आपका सॉल्यूशन होगा, कल 2 मार्च वाला होगा, ठीक है? तो 1 मार्च के दोनों पेपर अपनों ने कर लिए हैं, मॉर्निंग के और इवनिंग के, दोनों पेपर कर लिए अपनों ने 1 मार्च का। इसका आंसर बताइए क्या होगा? आपको मैं मैकेनिकल की प्लेलिस्ट बता दूंगा कि मैंने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा रखा है ना, तो आप उसको देख लीजिएगा आराम से, आसानी से, ठीक है? चलिए, 62। इसका आंसर हो जाएगा आपका बट वेल्ड, इसके लिए बट वेल्ड के लिए। 63। कौन सा पाइप जोड़ सुटेबल फॉर पाइप कैरिंग द स्टीम, जिस पाइप में स्टीम है उसके लिए कौन सा आप पाइप जॉइंट यूज में लेंगे बताइए जरा। कौन सा पाइप जॉइंट यूज में लोगे? एक्सपेंशन जॉइंट यूज में लेंगे, स्टीम है ना, स्टीम है, हाई टेम्परेचर है, तो एक्सपेंशन जॉइंट हम यूज में लेंगे। ये भी इस बार क्वेश्चन आया एसएससी जेई में, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग से रिलेटेड। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कौन कौन सी है भैया? एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कौन कौन सी है? जो बॉल बेरिंग रोलर बेरिंग होती है वो एंटी फ्रिक्शन बेरिंग होती है, लेकिन इसमें देखो बॉल और रोलर बेरिंग कहीं नजर ही नहीं आ रहा। ओनली ए, ओनली बी सी, ओनली सी, ये क्या मतलब है भाई? डी तो कहीं है ही नहीं, तो डी दिया क्यों है लिख के? डी लिखने का मतलब क्या है फिर? तो डी भैया इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। डी लिखने का मतलब क्या है फिर? कौन सा था ये क्वेश्चन? 64, 65। वी बेल्ट में बेल्ट किसको टच करता है भाई? वी बेल्ट ड्राइव में बेल्ट किसको टच करता है? ये लो भैया, ये पुली है वी बेल्ट वाली, यहाँ टच कर रहा है बेल्ट, तो बॉटम पे नहीं, बॉटम पे साइड पे नहीं, फुट टच नहीं, तो ओनली साइड्स पर टच करता है। डायग्राम में भी नजर आ रहा है, ये तो ओनली साइड्स में टच करता है। अटेंडेंस नहीं मार्क कर रहे हो यार, ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है भाई, अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे हो।
बिना अटेंडेंस दिए क्लास में आ जाते हो, गलत बात। सॉफ्ट को कहाँ टच करेगा? दर्शन, बेल्ट पूछा है ना, बेल्ट किसको टच कहाँ करेगा? साइड्स में टच करेगा। 66, पेपर रोलर बेयरिंग जो होती है उसमें जो एंगल होता है आफ्टर रेसवे का वो अराउंड कितना होता है? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आराम से, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ट्वेंटी फाइव डिग्री विल बी द राइट आंसर। सिक्सटी सेवन, बेसिक शाफ्ट जो शाफ्ट होती है, देखो ये है मान लीजिए बेसिक शाफ्ट, बेसिक शाफ्ट में जो उसका लोअर डेविएशन होता है ना, बेसिक शाफ्ट में, बेसिक शाफ्ट कौन सी शाफ्ट होती है बताओ, तुम बताओ भाई आंसर, हम काहे बताएं। बेसिक शाफ्ट एक होता है बेसिक होल, एक होता है बेसिक होल, एक होती है बेसिक शाफ्ट। बताइए आधे स्टूडेंट आंसर बता, आधे सोते हो क्या? बेसिक शाफ्ट कौन सी शाफ्ट होती है? बेसिक शाफ्ट कौन सी शाफ्ट होती है बताओ, सिर्फ हसन का आंसर आया, बाकी सो रहे हो, सो जाओ, सर्दियों में बिस्तर में हाथ डाल के कान में ईयरफोन लगा के लेक्चर सुन रहे हो। बेसिक शाफ्ट कौन सी शाफ्ट होती है? आंसर नहीं बताओगे आगे नहीं बढ़ूंगा, आंसर नहीं बताओगे तो आगे ही नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, गाड़ी वहीं रुक जाएगी। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं सभी आंसर दो, बेसिक शाफ्ट इज द वन हुज बेसिक शाफ्ट इज द वन हुज बेसिक शाफ्ट इज द वन हुज बताओ, हुज लोअर डेविएशन इज जीरो, हुज लोअर डेविएशन इज जीरो, आया आया। दो का आंसर आया, बाकी तो सोते रहो। एलन बोल्ट्स क्या होते हैं भाई, जो एलियन बनाते हैं? आठ जने आंसर नहीं दे रहे। एलन जॉइंट, सॉरी एलन बोल्ट्स क्या होते हैं? एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन, शॉक लोडिंग, सेल्फ लॉकिंग नहीं होते, ऑप्शन डी, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते थे, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। 69, टीयरिंग एफिशिएंसी 60% है, देन द रेशियो ऑफ रिवर्ट होल डायमीटर टू द पिच, तो टीयरिंग एफिशिएंसी क्या होती है? 1 - P/D होता है, तो टीयरिंग एफिशिएंसी 60% विल बी इक्वल्स टू 1 - P/D, सो देन द रेशियो ऑफ रिवर्ट होल डायमीटर टू द पिच, इसको उधर भेज दो, 0.4 इज इक्वल्स टू P/D है ना, 0.4 इज इक्वल्स टू P/D, D by P, तो 60%, तो D/P इज इक्वल्स टू 0.4, ऑप्शन सी।
रिवेटेड जॉइंट में फेल ड्यू टू, रिवेटेड जॉइंट किसके कारण फेल हो सकते हैं बताइए। रिवेटेड जॉइंट किसके कारण, व्हाट आर द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवेटेड जॉइंट। क्रशिंग के कारण, शीयर के कारण, ऑप्शन डी शीयरिंग ऑफ द रिवेट के कारण। 71 सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस वुड रिप्रेजेंट्स देयर द सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस वुड रिप्रेजेंट्स देयर, बताओ जरा। ये तो एक नियम है ना, ये तो एक नियम है, ये तो नो लो दे रखा है। सेम मॉलिक्यूलर वेट्स, उनका मॉलिक्यूलर वेट्स सेम होगा, थर्मोडायनेमिक स्टार्ट हो गया है। 72 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टीज होती है जो, वेरी गुड इवनिंग शिवानी कैसे आप। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज वन हुज वैल्यू, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है। डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम। अरे बाप, पहला ही आंसर सही है 72 का, पहला ही आंसर सही है। ठीक है, 73 आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, रिवेटेड जॉइंट में टियरिंग होती है, शीयरिंग नहीं होती क्या रिवेटेड जॉइंट में। रिवेट्स शीयर से फेल नहीं हो सकते क्या, प्लेट टियर से फेल हो सकती है, शीयर से नहीं हो सकती क्या, टियर शीयर कंफ्यूज। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल रिमेन कॉन्स्टेंट, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। 73 का सी, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। समझ आया क्वेश्चन, कल रात को भी क्लास है अपनी 10 बजे, ध्यान रखिएगा। और कल मैं एक स्पेशल क्लास लेने का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, कल स्पेशल क्लास लेंगे अपने 10 AM से 12 PM, 2 घंटे की स्पेशल क्लास होगी। एक तो ये, जिसमें हम A to Z मैकेनिकल फॉर्मूला वाली क्लास होने वाली है, ये A to Z मैकेनिकल फॉर्मूला, A to Z मैकेनिकल फॉर्मूला। इसमें हम कल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फॉर्मूलाज डील करेंगे 10 से 12 बजे वाली में, और उसके बाद आपकी होगी दूसरी 2 बजे से 4 बजे तक, तो फिर मैं 2 बजे से 4 बजे तक। यस यस उज्जवल, ये स्पेशल क्लास होगी, ठीक है, अनअकैडमी की ऐप पर फ्री स्पेशल क्लास। है ना, 2 बजे से 4 बजे। इसमें हम सोम का क्या, इसमें हम किसका फॉर्मूला वगैरह करें, सोम के बाद किसका करें, चलिए इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स का कर लेंगे 2 से 4 बजे वाली में, ठीक है। अच्छा, वैसे कह रहे हो रिवेट में और रिवेटेड जॉइंट में, ठीक है। 74 क्वेश्चन, द मोर एफिशिएंट वे टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज टू, द मोर एफिशिएंट वे टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज टू। कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी क्या होता है, 1 - TL/TH, तो TL को डिक्रीज करेंगे तो भी एफिशिएंसी इंक्रीज होता है, और TH को इंक्रीज करेंगे तो भी एफिशिएंसी इंक्रीज होता है, तो बढ़िया काम कौन सा है बताओ ज़रा, बढ़िया काम कौन सा है, किसको चेंज करने पर ज़्यादा इफेक्टिव चेंज देखने को मिलेगा। तो इसका अपने एक एग्जांपल लेके कर सकते हैं, देखो मान लीजिए इसका टेम्परेचर है 1000 या टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, एफिशिएंसी आ रही है 50%, तो हमने इसको क्या किया 1500 कर दिया,
और हमने इसको 500 पड़ा रहने दिया, एफिशिएंसी आ रही है 66%। हमने इसको 1000 रहने दिया और इसको हमने 500 को मान लीजिए कम कर दिया 250, ढाई सौ तो ज़्यादा कम हो जाएगा। मान लीजिए इसको हमने 500 बढ़ाया है, इसको भी कम करते हैं, अपने 500 तो क्या कम करेंगे, 200 करेंगे, तो टेम्परेचर डिफरेंस 80% आ जाएगा, तो 80% एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे। तो बढ़िया एफिशिएंसी आ रही है यार यहाँ पे, तो यहाँ पे अच्छी एफिशिएंसी आ रही है। तो डिक्रीजिंग द लोअर टेम्परेचर इज द मोर एफिशिएंट वे, है ना, ये बढ़िया धंधा है। लोअर टेम्परेचर को कम करो, एफिशिएंसी ज़्यादा इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू योर सेम अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द हायर टेम्परेचर 75। आइडियल कंडीशन में ये सभी प्रोसेस कैसे हैं, आइडियल कंडीशन में ये सभी प्रोसेस कैसे हैं, सभी रिवर्सिबल प्रोसेस हैं और सभी रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टेटिक प्रोसेस होते हैं, है ना, सभी रिवर्सिबल प्रोसेस हैं और सभी प्रोसेस आपके क्वासी स्टेटिक प्रोसेस होते हैं। आनंद आया, कितना प्यारा क्वेश्चन है। आइडियल कंडीशन इसने खुद ने लिख रखा है, आइडियल कंडीशन भाई खुद ने लिख रखा है। 76, टोटल हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन एज, सिंपल सा क्वेश्चन, टोटल हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन एज, बताइए सभी। टोटल हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन एज, टूज लो एंथैल्पी, यू इज प्लस पी वी, यू प्लस पी वी। 76, 77, हीट ट्रांसफर कैसा होता है भाई कार्नोट साइकिल में, कार्नोट साइकिल में आपके दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होता है। तो हीट एडिशन इज टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, चेंज ऑफ एंट्रोपी डिपेंड अपॉन। अब लड़ाई मत करना, एसएससी एग्जाम है, एसएससी एग्जाम के हिसाब से आंसर दो। एसएससी मानता है कि ये पूछ रहा है चेंज इन एंट्रोपी इन द रिवर्सिबल प्रोसेस विच इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। हीट सप्लाई करोगे एंट्रोपी इंक्रीज, हीट रिजेक्ट करोगे एंट्रोपी डिक्रीज, हीट सप्लाई नहीं करोगे एंट्रोपी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो ये किस पर डिपेंड करता है, वैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है एंट्रोपी, ओके, और प्रेशर पर भी करता है, वॉल्यूम पर करता है, तो सब पर करता है भैया। तो लेकिन एसएससी के अकॉर्डिंग आंसर है अपना डी। सेवेंटी एट, कंप्रेस्ड एयर इज कमिंग आउट फ्रॉम ए पंचर्ड फुटबॉल, बहुत तो छोटे सी जगह से, ध्यान से सुनिएगा, बहुत तो छोटी सी जगह से आपकी हवा बाहर निकल रही है, पंचर किया हमने, पंचर किया, बहुत छोटी सी जगह निकली, तो वहाँ फ्रिक्शन होगा पास में, वहाँ फ्रिक्शन होगा, क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। अब ये डिपेंड करता है कि जब वो बाहर निकलेगी तो उसको कैसा इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, है ना, ये भी डिपेंड करता है कि जब वो बाहर निकलेगी तो उसको कैसा इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। सेवेंटी सिक्स, ये 77 है भाई, ये 78 है, ये 79 है, बताइए 79 का आंसर क्या होगा। जैसे वो छोटे छोटे रास्ते से अचानक से बड़े बड़े रास्ते बाहर निकलेगी, कूल डाउन हो जाएगी, वो एक्सपेंशन होगा ना यहाँ पे। कंप्रेस्ड एयर जब बाहर निकलती है, एक्सपेंड होती है, तो क्या होगा उसमें, एक्सपेंशन होगा। 79 के बाद 80, रेशियो ऑफ एक्चुअल एफिशिएंसी टू द आइडियल एफिशिएंसी क्या कहलाती है, सेकंड लॉ एफिशिएंसी कहलाती है ये, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सेकंड लॉ एफिशिएंसी नहीं दे रखा, यहाँ पर ऑप्शन में सेकंड लॉ एफिशिएंसी नहीं दे रखा, है कर दी, ऑप्शन में सेकंड लॉ एफिशिएंसी नहीं दे रखा, ऑप्शन में दे रखा है एफिशिएंसी रेशियो,
क्या दे रखा है, एफिशिएंसी रेशियो दे रखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 51 पे आओ, कौन सी रिवर्सिबल साइकिल नहीं है, कार्नोट रिवर्सिबल है, एरिक्सन रिवर्सिबल है, स्टर्लिंग साइकिल रिवर्सिबल है, तो जब सब है तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। यस यस अनिश कुमार, जब सब है तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। ए सिस्टम विल बी द थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम ओनली इफ, थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम ओनली इफ इट इज इन, ओनली इफ इट इज इन, बताइए आंसर क्या होगा। मार्क योर अटेंडेंस बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन, अटेंडेंस मार्क नहीं करते और गलत बात है ये। क्या होगा इसका देखिए आंसर, जब थर्मल इक्विलिब्रियम भी हो है ना, टेम्परेचर इक्विलिटी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी हो, प्रेशर एंड फोर्सेस इक्विलिटी, जब केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो, कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, तो ए बी सी। 83, दो गैसेस हैं जिनका मॉलिकुलर वेट दे रखा है, एक्सपेंड एट कांस्टेंट प्रेशर थ्रू द सेम टेम्परेचर रेंज, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क डन ऑन दिस टू गैसेस इज इन द रेशियो ऑफ, इट इज इन द रेशियो ऑफ, बताइए। बताइए द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क डन बाय द टू गैसेस ए रेशियो बी। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए P1 V1 इज इक्वल्स टू mRT1 R1, P2 V2 इज इक्वल्स टू mR2 T2 है ना, M1 R1 T1, M2 R2 T2, ये दो गैसेस हैं। अच्छा रोल नंबर 12 है, तो क्या होगा बताइए इसका। Divide by 28, 11:7 होगा। सॉल्व करना है क्या ये क्वेश्चन, बताइए जरा। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बताइएगा, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, जिसको सॉल्व करवाना है वो बताइए। ठीक है, 84, डेविस एकरमैन, एकरमैन में क्या होता है, टर्निंग पेयर है ना, एकरमैन में होता है टर्निंग पेयर, डेविस में होता है स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर है तो सभी जगह करेक्ट है, टर्निंग पेयर है तो तीन जगह करेक्ट है, स्लाइडिंग पेयर है तो वियर टीयर ज्यादा है, आपके टर्निंग पेयर में वियर टीयर कम है, तो ज्यादा एकरमैन यूज में लिया जाता है और कम डेविस यूज में लिया जाता है। ये क्या होती है भाई प्रॉपर्टीज, प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी क्या होती है भैया, प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऐसे वेरिएबल होते हैं जो आपके पास्ट हिस्ट्री, सिस्टम की पास्ट हिस्ट्री यानी पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम पर डिपेंड नहीं करते। है ना, तो ये होते हैं पॉइंट फंक्शंस। 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये होते हैं पॉइंट फंक्शन। क्या होते हैं ये होते हैं हमारे पॉइंट फंक्शन। 86 पर आइए, रेफ्रिजरेशन प्लांट्स में रेफ्रिजरेंट्स को चार्ज किया जाता है सिलेंडर से कहाँ पर, कहाँ पर चार्ज किया जाता है बताइए, और ये इस बार आया है एसएससी में अक्टूबर 2020 में, इस बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन मान लो भले ही इसको, इस बार ये एसएससी में आया हुआ है 2020 में
अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था, वट एवर इस ईयर में हुआ था, रिसीवर में उसको स्टोर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द कूलिंग साइकिल। एक तो उसका फेज चेंज होता है, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड। फेज चेंज तो होता ही होता है, फ्लो चेंज नहीं होता। देखिए, फेज प्रेशर, फेज टेम्परेचर, जब उसका फेज चेंज हो रहा होता है तब प्रेशर चेंज नहीं होता, जब प्रेशर चेंज होता है तो टेम्परेचर भी चेंज होता है ना। तो फेज टेम्परेचर, फेज आपका प्रेशर टेम्परेचर, बताइए इसका 87 का आंसर क्या होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बदलते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बदलते हैं, इसी में इंक्लूड हो जाएगा आपका फेज। टेम्परेचर और प्रेशर में ही फेज इंक्लूड हो जाएगा। 88, मॉइस्चर कंटेंट इसकी हेल्प से रिमूव किया जा सकता है। इस पर हमारा प्रोजेक्ट था कॉलेज में जब हम डिग्री कर रहे थे, डेसिकेंट्स पे था, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सॉलिड भी हो सकता है और आपका पाउडर्ड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है डेसिकेंट। अब सर्च कर दीजिएगा गूगल पर, पेपर पर। ओके, सोलर, अगर हम बात करें सोलर डीह्यूमिडिफाइडिंग सिस्टम, विशाल शर्मा जब आप सर्च करेंगे तो आपको रिसर्च पेपर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 88 का। नाउ 89, कमर्शियल आइस प्लांट के लिए मोस्ट सूटेबल रेफ्रिजरेंट कौन सा है। कमर्शियल आइस प्लांट के लिए मोस्ट सूटेबल रेफ्रिजरेंट कौन सा है, बताओ सभी। ब्राइन, NH3, फ्रियोन, एयर, अमोनिया हो जाएगा इसका आंसर 89 का, अमोनिया है ना, अमोनिया 90। अमोनिया एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो फिटिंग्स होती है वो किसकी बनी होती है। अमोनिया भैया, अमोनिया हमारे कॉपर का दुश्मन है, अमोनिया हमारे कॉपर का दुश्मन है, तो कॉपर तो होगा नहीं 90 का। इसकी होती है कास्ट स्टील की, किसकी, स्टील की। ये फेवरेबल होता है इसका स्टील, दुश्मन होता है कॉपर। और जो हेलोजन, सॉरी हेलोकार्बन वगैरह जो होते हैं फ्रियोन, उनकी कॉपर की बनी होती है और वो दुश्मन होते हैं एल्यूमिनियम के, ये ध्यान रखिएगा। 91, लिथियम ब्रोमाइड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहाँ पर यूज में लिया जाता है। अच्छा, लिथियम ब्रोमाइड क्या होता है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लिथियम ब्रोमाइड क्या होता है, रेफ्रिजरेंट होता है या एब्जॉर्बेंट होता है। तो ये होता है आपका लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का पेयर होता है। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कम से कम दो वर्किंग फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है, तीन भी होता है तो भी चल सकता है। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन भी आपका वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो थ्री फ्लूइड सिस्टम है, पंपलेस सिस्टम है। तो लिथियम ब्रोमाइड होता है आपका एब्जॉर्बेंट और H2O होता है आपका रेफ्रिजरेंट, तो एब्जॉर्बेंट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 91 का ऑप्शन डी। 92 का बताइए, ये लीजिए, अभी हमने बात की थी कि फ्रियोन्स के लिए ट्यूब का मटेरियल क्या होना चाहिए, ये पूछ भी लिया। फ्रियोन्स के लिए ट्यूब का मटेरियल पूछ रखा है इसने खुद ने। यस 92, बस 8 क्वेश्चन और है, सिर्फ 8 क्वेश्चन और। तो किसके बने होते हैं फ्रियोन वाले, फ्रियोन वाले बने होते हैं कॉपर के। 93, वर्टिकल लाइन ऑन प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम, ये तो सिंपल सा है, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम में वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, कांस्टेंट एंथैल्पी वाले प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन यहाँ पर आपको कांस्टेंट एंथैल्पी वाला नाम ही नहीं, कांस्टेंट एंथैल्पी वाला नाम ही नहीं मिलता। लेकिन एंथैल्पी क्या होती है, टोटल हीट कंटेंट होती है। एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होती है, टोटल हीट कंटेंट। तो अगर एंथैल्पी की डेफिनेशन टोटल हीट कंटेंट है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, टोटल हीट लाइंस, ऑप्शन सी, टोटल हीट लाइंस।
कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस आपका रेशियो होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के नीचे क्या आता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के नीचे क्या आता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के नीचे आता है हीट ऑफ कंप्रेशन, मतलब चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द कंप्रेशन, सही है, वर्क डन बाय द कंप्रेशर सही है, एंथैल्पी इंक्रीज इन द कंप्रेशर सही है, तो आंसर डी सही है, आंसर डी सही है। आनंद आ रहा है क्वेश्चन करके, सभी सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन करके आनंद की अनुभूति देते हुए सभी छात्र। चलो 95, मॉइस्चर ऑफ फ्रियोन कंटेंट सिस्टम कॉजेस, अगर फ्रियोन रेफ्रिजरेशन में मॉइस्चर आ जाएगा तो मॉइस्चर तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, मॉइस्चर तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, मॉइस्चर सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आपका रेफ्रिजरेंट का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो फ्रीजिंग ऑटोमेटिक रेगुलेटिंग वॉल 95 का क्या होगा, ऑप्शन सी, फ्रीजिंग हो जाएगी, जगह जगह फ्रीज हो जाएगी, रेफ्रिजरेंट का फ्लो नहीं हो पाएगा, मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि मॉइस्चर मतलब H2O, H2O 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है तो दिक्कत करेगा, इस बार आया हुआ SSC JEE में ही 80% एफिशिएंसी है, तो रिवर्स कार्नोट साइकिल मतलब रेफ्रिजरेंट है भैया, रेफ्रिजरेशन है, तो रिवर्स कार्नोट साइकिल की COP कितनी होगी, तो 1 डिवाइड बाय 0.8, ये 1.25, 1.25 में से 1 गया, 0.25 बच गया, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेंसिबल कूलिंग, टेम्परेचर चेंज हो रहा है भाई, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, सेंसिबल कूलिंग में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो बना लो एक बार चार्ट, सेंसिबल कूलिंग में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन ए आ गया सीधा, 97 का ऑप्शन ए आ गया सीधा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल रिमेन कांस्टेंट, ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल बी डिक्रीजेस ना, तो ये है 97, ये है 98, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन भैया, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, देखो ये वर्टिकल लाइन जो होती है ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन होती है, ये ऐसी लाइन होती है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन होती है, ऐसी जो लाइन होती है वो होती है वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, तो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन क्या होती है, इंक्लाइंड होती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंक्लाइंड होती है। 99, एयर का हीट किया जा रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स मॉइस्चर कंटेंट, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल रिमेन कांस्टेंट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल रिमेन कांस्टेंट, इफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल रिमेन कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी देयर, इफ हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी देयर, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन होती है, तो ड्यू पॉइंट जो टेम्परेचर होता है ये रहेगा कॉन्स्टेंट, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, जब तक आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी नहीं बदलती ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी नहीं बदलेगा, सो इट विल रिमेन द सेम, 99 का सी, ओहो 100 क्वेश्चन, एयर इज नॉर्मली डिह्यूमिडिफाइड बाय, जो नॉर्मली डिह्यूमिडिफिकेशन होता है, जनरली डिह्यूमिडिफिकेशन होता है वो किस प्रोसेस के साथ होता है, हीटिंग के साथ या कूलिंग के साथ, ये तो नहीं होंगे गलत है, मैं तो खुद बता रहा हूँ, ए और बी तो ऑप्शन गलत रहेगा, वो तो बिल्कुल भी सरासर नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, कूलिंग, नॉर्मली कूलिंग के साथ डीह्यूमिडिफिकेशन की जाती है ना, कूलिंग के साथ एसी, ठीक है, हीटिंग के साथ थोड़ी होगी, यानी कूलिंग के साथ होगा, 100 का आंसर है अपना कूलिंग, ठीक है, तो यहाँ पर आज ये सेशन भी आपका होता है समाप्त, कूलिंग के साथ होगा, हीटिंग के साथ नहीं होगा, हीटिंग के साथ डीह्यूमिडिफिकेशन थोड़ी होता है, ह्यूमिडिफिकेशन होता है हीटिंग में, सर्दियों में करते हो ना ह्यूमिडिफिकेशन हीटिंग में, है ना, तो क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।
का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। और कल रात को भी आपकी 10 बजे की क्लास होगी, जिसमें हम नेक्स्ट पेपर को लेंगे, 2017 में ही जो हुआ था शिफ्ट वन में। और किसी आज तो मैंने कुछ असाइनमेंट भी नहीं दिया है आप सभी लोगों को, चलो कोई बात नहीं। चलिए तो सेशन को ही वाइंड अप करते हैं, होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आपके जो भी फीडबैक वगैरह है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, जो न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करना है नेक्स्ट टाइम वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल के बता सकते हैं। चलिए तो अब सभी से अब हम अलविदा चाहते हैं, मिलते हैं हमारी कल की स्पेशल क्लास में, सुबह 10 बजे होगी, जिसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सभी फॉर्मूलाज को डील करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।